दोस्तों, भविष्य को जान लेने की कला एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को चाहिए। हमारी इसी इच्छा ने आज की 21वीं सदी में भी ज्योतिषियों को माला माल किया हुआ है। सुबह सुबह टीवी पर चलते राशिफल कार्यक्रमों से लेकर अंग्रेजी अखबारों के होरोस्कोप तक चीख चीख कर हमारी इस लालसा का सबूत देते हैं। सबकी यही इच्छा है कि क्रिश फिल्म वाला कंप्यूटर मिल जाता तो जरा जिंदगी आसान हो जाती। खैर, वो कंप्यूटर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की गति को देखकर कुछ चीजें तो भविष्य के बारे में कही जा सकती हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारा और इस धरती का क्या होगा, तो देखते रहे इस वीडियो को, जहां हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2050 तक दुनिया में क्या क्या संभव है। शुरुआत अपने ही देश भारत से करें तो इसरो का यह अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस में भेज देगा। इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है और 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिन तक स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। जहां भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की तरफ भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलोन कार्गो मंगल ग्रह तक भेजेंगे और अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026 से 2027 में एलोन का मन मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्रू भेजने का भी है। वहीं 2024 में ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन किया जा सकता है। इसको फंड करने का ज्यादातर जिम्मा USA और रूस का था, लेकिन हाल के कुछ सालों में इंटरनेशनल दबाव के कारण रूस की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से ज्यादातर भार US पर आ गया है। इसलिए इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बातें चल रही हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि इसे डीकमीशन करने के फैसले को शायद 2028 तक डिले कर दिया जाए। लेकिन अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बंद होना लगभग तय है, पर अब एस्ट्रोनॉट्स ISS में नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, यहाँ अर्थ पर भी बहुत कमाल की चीजें होने वाली हैं। 2020 में हाइपरलूप की ह्यूमन टेस्टिंग के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2025 से 2030 के बीच में हाइपरलूप को पहली बार डिप्लॉय किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 1000 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन बड़ी बड़ी कमर्शियल फ्लाइट्स को मात दे सकती है। वहीं इलॉन मस्क के बयान के मुताबिक उनकी न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी भी 2025 तक पहली बार सामने आ सकती है। न्यूरालिंक एक ऐसा डिवाइस है जो आपके स्कल को ड्रिल करने के बाद डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट कर दिया जाएगा। ये डिवाइस मानसिक तौर पर बीमार लोगों के दिमाग को हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर ट्रीट करेगा। लेकिन मस्क का कहना है कि आगे चलकर उनका प्लान है कि हर इंसान के दिमाग में से फिट कर दिया जाए ताकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सके। साथ ही इलॉन के दावे के मुताबिक वो इस टेक्नोलॉजी को इतना विकसित कर देंगे कि 2 न्यूरालिंक वाले इंसान बिना कुछ कहे एक दूसरे तक अपनी बात कह पाएंगे। 2026 तक बार्सिलोना का ला सग्राडा फैमिलिया चर्च भी बनकर तैयार हो जाएगा। ये चर्च खास इसलिए है क्योंकि इसका बनना 1882 में शुरू हुआ था और जब तक ये बनकर तैयार होगा इसे बनना शुरू हुए 144 साल हो जाएंगे। 2028 आते आते आपको बहुत से दिव्यांग लोग रोबोटिक अंगों का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे जो उन्हें वो सभी काम करने में मदद करेंगे जो कोई भी स्वस्थ इंसान कर सकता है। साथ ही एक अनुमान ये भी है कि 2028 तक आपके घर में सबसे ज्यादा वाईफाई आपका मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इतने सारे स्मार्ट डिवाइसेस आ जाएंगे कि 70% तक वाईफाई डेटा आपका फ्रिज, AC और अन्य उपकरणों के काम आएगा। ऑटोमेशन और मशीनीकरण के भी तेजी से बढ़ने की संभावना है और ज्यादातर फैक्ट्रीज में आपको इंसानी कर्मचारियों की जगह रोबोट काम करते हुए दिखाई देंगे। तब तक ज्यादातर इंसानी नौकरियां इन रोबोट्स को डिजाइन करने और ऑपरेट करने वाली होंगी। 2029 में एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ आने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। ये एस्टेरॉयड धरती के इतने करीब से गुजरेगा कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह धरती पर भी गिर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हम जानते हैं कि धरती का विनाश तय है। हालांकि एस्टेरॉयड के धरती को हिट करने के चांसेस केवल 3% है और अभी से इसने वैज्ञानिकों को परेशानी में डाल रखा है। अगर हम इस आपदा से बच जाते हैं तो 2030 में नासा अपना पहला ह्यूमन मिशन मार्स पर भेजेगी। इसीलिए अगर एलोन मस्क 2026 में फेल भी हो जाते हैं तो 2030 तक SpaceX की गलतियों से सीख लेकर मार्स पर पहला इंसान उतार ही देंगे। इसी के साथ चीन ने भी अपना चांद पर पहला ह्यूमन मिशन भेजने का प्लान कर रखा है। 2030 तक ये भी संभव है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि डॉक्टर्स आपकी नर्व्स में कुछ जरूरी फेर बदल करने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिससे कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं वो फिर से पहले की तरह अपने शरीर को कंट्रोल कर पाएंगे।
ग्रेविटी इंडस्ट्री जो फ्लाइंग सूट्स और जेट पैक्स बनाने में जुटी हुई है, वो 2020 में ही अपने काफी सारे सक्सेसफुल टेस्ट कर चुकी है। तो ये भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि 2030 के बच्चे अपने घर वालों से बाइक या कार के बजाय आसमान में उड़ने वाले इन सूट्स की डिमांड करने लगे। क्या इन्हें आसमान में उड़ने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होगी? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर यह बात निश्चित है कि बढ़ते प्रदूषण और दुनिया में घटती सप्लाई को देखकर नॉर्वे जैसे दुनिया के कई देश इस समय अपने यहाँ से पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां ही बैन कर दें और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएं। साथ ही वो समय भी होगा जब ज्यादा से ज्यादा देश सोलर पावर और बाकी क्लीन एनर्जी के विकल्पों पर धीरे धीरे निर्भर होने लगे। 2030 में एक बहुत बुरी खबर वेनिस से आने वाली है। ये दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ की सड़कें पानी से भरी हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियों से नहीं बल्कि नाव से जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 तक यहाँ पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि यह शहर इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगा। अब चलते हैं 2036, जहाँ पहली बार नासा 2 रोवर्स को सोलर सिस्टम से बाहर हमारे नजदीकी तारे अल्फा सेंटुअरी की तरफ भेज सकता है। यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहाँ जीवन के मिलने की संभावना है, पर इसे रोवर के वहां पहुंचने में 20 साल का वक्त लगेगा। तो वहां एलियंस की पुष्टि करने के लिए हमें 2056 तक रुकना पड़ सकता है। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी आइस पिघलकर आर्कटिक ओशन में चली जाएगी, जिससे समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूं तो उसके काफी नुकसान है, पर चीन को इससे निजी तौर पर यह फायदा है कि उनके लिए यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता भी इससे खुल सकता है। चिंताजनक खबरें यहीं खत्म नहीं होती। कहा यह भी जाता है कि 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी और अकेला भारत इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 2042 में ही दुनिया को अपना पहला ट्रिलियन ईयर देखने को मिल सकता है, जहां दिन प्रतिदिन अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा है। ये देखने लायक होगा कि उस वक्त के लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी या बुरी। खैर, साल 2045 आपको थोड़ा डरा सकता है। कहते हैं कि ये साल टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जटिल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर वो युग भी हो सकता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर इंसानों को हर एक क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगी और इंसानों का उनके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। इसके अतर तर्क ये भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह की टेक्नोलॉजीज इम्प्लांट्स कराते रहेंगे, जिससे मशीनों के साथ साथ हम भी समानांतर गति से विकसित होते रहेंगे। 2045 में प्रोजेक्ट 2045 भी खत्म होगा। ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद है कि 2045 तक इंसानी दिमाग को कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सके, जिससे कि आपके इंसानी शरीर के मरने के बाद भी आपका डेटा किसी रोबोटिक शरीर में डाला जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का सीधा सीधा मकसद अमर होना है और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दुनिया कैसी होगी जहां कोई भी मरेगा नहीं। अब हम आ जाते हैं 2050 तक। कहते हैं इस वक्त तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के पास शायद पीने के लिए पानी नहीं होगा। 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहरों में ही रह रही होगी और सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक बहुत आम बात होगी। इसके अलावा ये भी संभव है कि इंसानों का एक बड़ा धड़ा धरती को ही छोड़ दे और मार्स पर नौकरी करने लगे और आखिरकार बस्तियां भी बसा ले। इस वक्त तक कई बच्चे ऐसे होंगे जो मंगल पर ही पैदा होंगे और सभी के पासपोर्ट पर प्लैनेट ऑफ बर्थ का भी एक कॉलम देखने को मिलेगा। हाँ, सचमुच हमारी ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। जहाँ इसके कुछ पहलू बेहद ही डरावने हैं, तो कई पहलू भविष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित भी करते हैं। अब ये तो हमारे और आपके ऊपर निर्भर है कि हम किस तरह की दुनिया में जीना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 2050 में इस वीडियो को जो देख रहा हो उसका कमेंट करना तो बनता ही है।